ऑल राइट गाइस, तो आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं बोट के एक लेटेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर बोट स्टोन 350 का। तो अगर इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो अभी आप इसे ओनली 1500 रुपये में परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में परचेस लिंक अवेलेबल है। तो आज हम इसका साउंड टेस्ट करेंगे, साथ ही इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले इसकी बॉक्स पैकेजिंग हम देख लेते हैं। तो बॉक्स के टॉप में यहाँ पे बोट की ब्रांडिंग है, यहाँ पे स्टोन 350 मेंशन है एंड ये स्पीकर सिलेंड्रिकल शेप में आता है। एंड बॉक्स के पीछे के पार्ट में कुछ की स्पेसिफिकेशन मेंशन है, वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं। एंड बॉक्स के नीचे के पार्ट में इसकी प्राइसिंग मेंशन है 3490 रुपये, बट इसकी एक्चुअल प्राइसिंग मैं आपको बता चुका हूँ। तो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग हम कर लेते हैं। तो सबसे टॉप में यहाँ पे स्पीकर है, इसको हम बाद में निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, इसको हम निकाल लेते हैं। तो इस बॉक्स के अंदर इसकी यूज़र मैनुअल दी गई है एंड कुछ कार्ड्स वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे दो केबल्स दी गई हैं, पहली है ऑक्स केबल एंड एक माइक्रो यूएसबी केबल स्पीकर को चार्ज करने के लिए। तो स्पीकर को हम निकाल लेते हैं एंड बॉक्स यहाँ पे एम्प्टी है। तो स्पीकर को हाथ में पकड़ते ही सबसे पहली चीज़ मुझे फील हुई, ये स्पीकर मुझे मे बी ऑक्टेव 2 की तरह लगा। तो अगर आपने उसकी अनबॉक्सिंग नहीं देखी है तो प्राइवेट में आप चेक कर सकते हैं एंड आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं क्या आपको मे बी ऑक्टेव 2 का डिज़ाइन बोट स्टोन 350 की तरह लगा या नहीं लगा। तो स्पीकर 3 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है, हमारे पास रेड है, आप इसे ब्लू एंड ब्लैक में भी परचेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका फिजिकल ओवरव्यू हम देख लेते हैं। तो स्पीकर यहाँ पे टोटली प्लास्टिक बिल्ड में आता है एंड इसकी ओवरऑल बॉडी के ऊपर यहाँ पे रबराइज मटेरियल यूज किया गया है एंड स्पीकर की दोनों तरफ की स्पीकर ग्रिल के ऊपर यहाँ पे फैब्रिक यूज किया गया है एंड इसमें दो बेस रेडिएटर दिए गए हैं, एक टॉप में है जिसमें बोट का लोगो दिया गया है एंड एक बॉटम में है। तो 542 एम के इनपुट के साथ ही आता है, तो आप इसमें 10 वॉट का चार्जर यूज कर सकते हैं। स्पीकर के फ्रंट पे इसके बटन्स दिए गए हैं, सबसे पहला है यहाँ पे पावर बटन प्लस माइनस एंड ये मल्टी फंक्शनल बटन, से आप प्लेन पॉज कर सकते हैं, ट्रैक को कॉल को रिसीव एंड रिजेक्ट भी कर सकते हैं एंड यहाँ पे इसका बैटरी लेवल इंडिकेटर दिया गया है। तो पावर बटन में आप सिंगल क्लिक करके यहाँ पे इसका बैटरी लेवल चेक कर सकते हैं। स्पीकर के पीछे के पार्ट में एक स्ट्रैप दिया गया है इसको कैरी करने के लिए एंड यहाँ पे इसका आयो कंपार्टमेंट दिया गया है जिसके ऊपर बोट की ब्रांडिंग है। तो इसके अंदर एक ऑक्स पोर्ट दिया गया है, एक TF पोर्ट, तो माइक्रो SD कार्ड की मदद से आप यहाँ पे सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं एंड माइक्रो USB पोर्ट स्पीकर को चार्ज करने के लिए। तो अगर इसके पावर आउटपुट की बात की जाए तो स्पीकर 10 वॉट के आउटपुट के साथ आता है एंड इसमें 5.5 वॉट के ड्यूअल स्पीकर दिए गए हैं। एंड अगर यहाँ पे इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो स्पीकर 2200 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है एंड कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है कि आप इसको 12 आवर तक प्ले कर सकते हैं एक सिंगल चार्ज पे, बट रियलिटी में आप इसको 6 से 7 घंटे तक आराम से प्ले कर सकते हैं 70% वॉल्यूम पर। एंड ये स्पीकर IPX7 की रेटिंग के साथ आता है, तो अगर 1 मीटर पानी के अंदर 30 मिनट तक भी रहता है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप इसको शावर, रेन एंड इवन बीच में भी यूज़ कर सकते हैं। एंड कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.0 के सपोर्ट के साथ ये स्पीकर आता है, तो इसको फटाफट से अपने फ़ोन से कनेक्ट करके हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ऑन कर लेते हैं। Power on. You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. तो स्टोन 350 लिखा हुआ आ चुका है, इसमें हम क्लिक कर देते हैं। You're now connected to both stone. एंड ये कनेक्ट हो चुका है, साथ ही आप अपने स्पीकर की बैटरी परसेंटेज अपने फ़ोन पे भी चेक कर सकते हैं। तो फटाफट से इसमें कुछ सॉन्ग्स प्ले करके हम इसका साउंड आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल प्योर साउंड आउटपुट तो नहीं मिलने वाला है क्योंकि आप मेरे माइक के थ्रू एंड उसके बाद अपने गैजेट के स्पीकर के थ्रू सुनने वाले हैं, बट यहाँ पर आपको कुछ आइडिया तो मिल ही जाएगा। एंड मैं साउंड टेस्टिंग नॉन कॉपीराइट म्यूजिक यूज़ करने वाला हूँ, तो अगर आप हिंदी या पंजाबी सॉन्ग्स में इसका साउंड टेस्ट देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। It creeps on down.
अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी इसके साउंड आउटपुट की। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे इसके बेस की। तो स्पीकर का बेस मुझे काफ़ी पसंद आया, 10 वॉट के हिसाब से काफ़ी अच्छा बेस ये प्रोड्यूस करता है। ड्यूअल बेस रेडिएटर की वजह से इसका बेस काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बेस बोला है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको बेस यहाँ पे काफ़ी तगड़ा मिलेगा या आप उठें और नाचना स्टार्ट कर दें। अगर इसका प्राइस पॉइंट देखा जाए, इसका साइज़ देखा जाए तो उस हिसाब से इसका बेस काफ़ी बेहतर है। अगर ट्रिबल्स इसके डिसेंट है एंड वोकल्स इसके क्लियर हैं। एंड अगर यहाँ पे इसके डिस्टॉर्शन की बात करी जाए तो अगर आप 80% से ऊपर यहाँ पे वॉल्यूम को करते हैं तब जाके आपको यहाँ पे डिस्टॉर्शन फील होगा, बट डिस्टॉर्शन इसका काफ़ी कम है। एंड अगर यहाँ पे इसकी लाउडनेस की बात करी जाए तो 10 वॉट के हिसाब से काफ़ी लाउड है, एक स्मॉल से मीडियम साइज के रूम के लिए ये इनफ है। तो अब जब साउंड सुन रहे हैं वो बोट स्टोन 350 के माइक्रोफोन के तो सुन रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स की। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे इसके प्रोस की। तो सबसे पहला प्रोज है काफ़ी पोर्टेबल है तो कैरी करने में काफ़ी आसान है। सेकंड, इसमें हमें इनबिल्ट माइक्रोफोन का सपोर्ट दिया गया तो कॉल को डायरेक्टली आप अपने स्पीकर में ही अटेंड कर सकते हैं। IPX7 की रेटिंग के साथ ही आता है, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट हमें से मिलता है एंड TWS का सपोर्ट हमें से मिलता है। तो आप दो स्पीकर एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं सेम मॉडल के स्टीरियो साउंड के लिए एंड इसमें ऑक्स एंड TF का सपोर्ट भी हमें मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ कॉन्स की। तो अगर इसका प्राइस पॉइंट देखा जाए तो इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे कॉन्स बिल्कुल भी नहीं है, बट फिर भी अगर एक कॉन की यहाँ पे बात की जाए तो अगर माइक्रो USB पोर्ट की जगह यहाँ पे टाइप सी पोर्ट दिया होता तो और भी बेटर होता। तो अब बात आती है कि आपको स्पीकर परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर इसका प्राइस पॉइंट देखा जाए 1500 रुपये में आप इसे परचेज कर सकते हैं अभी एंड इसके प्राइस इंक्रीज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो 1500 रुपये के अंदर आपको 10 वॉट का स्पीकर मिल रहा है, अच्छा बेस मिल रहा है, इनबिल्ट माइक, TWS एंड IPX7 का सपोर्ट मिल रहा है वो भी 1500 रुपये में। तो 1500 रुपये में अभी ये सबसे बेस्ट स्पीकर है। अगर आप 1500 रुपये आपका बजट है तो डेफिनेटली मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो आपको ये स्पीकर कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।